ज्यादा गंदा हो रहा है अपनी बम्बलबी का हाल। और गाइस जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ना, उस पे ना अपन लोग निकलने वाले हैं एक ज्यादा बढ़िया से रोड ट्रिप के ऊपर। गाइस मेरा वक्त और जज्बात सब कुछ बदल गया एकदम से। कितना स्मोक है, फाइनली रेस लग गई भाई मस्टैंग के साथ। एक बार रोकना बेचारे को, मेरे साथ तो गाड़ी में क्या हो गया बाबू। बस एक ही बार सुनना है, एक बारी में क्या होगा। बोल रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन डर में कूल लगाने वाला मौसम एकदम आ चुका है। इतनी गर्मी होने लग गई है ना, अभी टाइम हो रहा है 12:30, 40 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। इतनी गर्मी है भाई, हर बार मैं Z900 की चाबी लेके निकलता हूँ घर से और उस बाइक की चाबी को मैं वहीं रख के आ जाता हूँ। इतनी बार हो गया मैंने अपनी बाइक को डिच करा। सो अभी निकल गया हूँ मैं घर से रेडी शेडी होके। ये गाड़ी देखो मेरे को ना हमेशा यहाँ पे खड़ी रहती है, रिस्टोर हो रही है और बहुत अच्छी लगती है भाई। ऑल्टो 800 है जट भाई मेरा, वो जब से स्लिंग बैग लेके गया ना मेरी जिंदगी थोड़ी सुनी सुनी हो गई है, क्योंकि गाइस बहुत महंगा था वो बैग। अगर सीन बना तो जट भाई के घर जाएंगे और बैग तो नहीं, सामान बहुत सारा पार करके आएंगे। ये देखो भाई तगड़ा तगड़ा सामान निकाल रहा है भाई गाड़ी में से। यार ये आइटम क्या लेके जा रहा है भाई, गेमिंग कंसोल लग रहा है देसी सा। तो भाई अपन तो फर्स्ट आ गए और भैया हमारे ईशान भैया आए नहीं, सो तब तक एक कॉफी पी ली जाए क्या। सो भाई मुस्टैंग आ चुकी है, मुस्टैंग जीटी। ओ हो हे प्रभु, इस जगह पे लास्ट टाइम इस गाड़ी को खड़ा करा था, बंद हो गई थी गाड़ी। तो बहुत अच्छी है, स्टार्ट हो जाइयो जब मैं वापस आऊंगा। भाई मैं प्रे करके खड़ी कर रहा हूँ कि तेरे को लास्ट टाइम यहाँ पे खड़ा करा था, बंद हो गई थी, इस बार स्टार्ट हो जाइयो। एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे भाई। कंफर्टेबल? या यस वेरी मच। या ब्रो। सो भाई महंगी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, बेल्ट लगा लेते हैं है ना, वरना टुन 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 हो जाएगी। मैं तो भूल गया, आगे थोड़ा ज्यादा ऊंचा ही साफ है। आगे से ना लगती है यार गाड़ी, जितनी बार भी निकालो। बस भाई क्या लगता है आज टीआई को स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? वो बेचारी ना उस दिन नाराज होगी, आपने बोला कि गाड़ी चेंज करनी है, गाड़ी चेंज करनी है, उसने बोला जाओ अब तुम घर जाओ, मेरे बिना घर जाओ। बेटा जा चेंज ही कर, तू गाड़ी चेंज ही कर, रिक्वेस्ट करी मैं। बोल रहा पहली फुर्सत में निकला, गाइस पैसे नहीं है अभी। भाई जिंदगी में जितने गज में ये ठेका बना हुआ है ना भाई, इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए ना गुड़गांव में, ठेके की जगह भाई 5 BHK बनवा लेना बढ़िया एकदम, और बस बहुत बढ़िया बन जाएगा, छोटा एक मिनी गार्डन भी बन जाएगा गुड़गांव में भाई। ठेकों की इतनी बड़ी बड़ी वो मूर्खी ना, और उधर से जा रही है वो एक डुकाटी। ओ हो बहुत पुराने वाली थी इस टाइम ना, इस टाइम हमें लगा ना कि भाई डुकाटी जा रही है, उस बंदे की जान निकल रही होगी कसम से। भाई बेसबॉल क्या डंडा दो ना, बेसबॉल का डंडा भी लाओ, डंडा दो इसको पेलना भाई। भैया ने बोल तो दिया कि तुम तो मेरे साथ थे, 50-50 हो रहे हैं, तुम तो मेरे साथ थे भाई। और जो मेरे 3000 बैलेंस है वो कब देगा यार, पता कितनी तंगी हो रही है यार, गाड़ियां लेनी है आगे यार, डिलीवरियां लेनी है, 3000 रुपए दे दे भाई। 3000 में कोई किस्त भी नहीं जाएगी, चार्जर लगेगा नंबर भाई, चार्ज दुनिया भर के खर्चे हैं भाई। मैंने देखा था भाई, जो बंदा वीडियो देख रहा है गाइस, मैंने जो बंदा भी वीडियो देख रहा है प्लीज इसको बोल दो मेरे 3000 रुपए दे दे भाई। मेरा वक्त और जज्बात सब कुछ बदल गया एकदम से। मजाक कर रहे हैं, आपको बैग मिल जाएगा। हां तेरे को तेरा बैग मिल जाएगा आगे 6000 मिलने के बाद। आज मैं भाई बिल्कुल खाली आया हूं, तू ऊपर से ले कौन नहीं है भाई, ये वो है वो पानी चढ़ा हुआ पानी पानी वाली भी चलेगी भाई अपने को। मेरे पास भी दो है, दिखाइयो पानी चढ़ा हुआ है, दिखाइयो भाई। नहीं भाई एप्पल एक पे सिल्वर पानी चढ़ा दिया था मैंने, सोने के पैसे बचे नहीं भाई। इसे कहते हैं व्हाइट गोल्ड, इसे कहते हैं अमीरी भाई। इतना पैसा चेंज कर ले, इतना चेंज कर ले, मैंने तो 300 रुपए की लिए शनि बाजार करमपुरा ना, करेगा बैग दे रहा कि नहीं रहा, कंट्रोवर्सी हो जाएगी भाई मेरे साथ। बहुत कंट्रोवर्सी में पहले फंसा हूं मैं, कोई मत फंसाओ, मैं नहीं चाहता ये सब ना। क्या चाहिए मेरी टियागो की चाबी कहां करिए, पागल लगे स्विफ्ट चलाने वाले टियागो को चलाएंगे। टियागो इज अपर मॉडल, स्विफ्ट इज लोअर। मैं आप तो पार्क करके चाबी आपके पास होनी चाहिए थी, पार्क तो आप करके आए हो। की चाबी मेरे पास है क्या यार, देखो यार आज टियागो की चाबी प्यार कर ली इसने। टियागो क्या है
ये टियागो क्या होता है बताओ आप कितने बैंक वाले पूछो जिनको मैं किस्त देता हूँ चाबी भी बैंक वाले देंगे की चाबी है क्या मेरे को पता क्या लग रहा है टियागो तो बैंक वाले उठा के ले गए जान के ड्रामे कर रहा की प्रभजोत ने ले ली बात ऐसा बोल देगा यार इसमें चाबी को उठाई जा रही है मेरे पास नहीं है सही में पागल है क्या मजाक कर रहे हो तो आपसे क्योंकि आप खुद ही बोल रहे थे कि टियागो खड़ी है वहाँ पे खड़ी है साला सच्ची में नहीं है भाई नहीं है नहीं है क्या हो गया क्या ढूंढ रहे हो भाई सच्ची में चलो यार चलो फोटोशूट चालू करें तेरा कर दूं मैं हमारे पास भाई मेरे पास एक फोन है आईफोन मैं वो नहीं दूंगा अरे तो वीडियो बनानी है यार नहीं दूंगा मैं अपना बैग भी अभी चाहिए देखो भाई तुमने जो मेरी 2 किलो जान खाई है पहले तो हिसाब दो ठीक है दे दिया ठीक है आप फिर उसके बाद तो क्या खाओगे जो तुम भाई अपनी तरफ से खिलाओगे अपनी तरफ से तो मत बोल भाई बैठे मैं कुछ बोल नहीं सकता गाइस कैमरा ऑन है आप ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते वरना एक्सपोज डाल दूंगा मैं क्योंकि आपने मेरा बैग लिया गाइस 15 वीडियो करनी थी 2 ही वीडियो अब तक हुई है टाइटल पे ना तो आज तीसरी हो गई 15 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं उसमें 2000 के नोट रखे थे ना आपने हाँ भाई 25 नोट थे 2000 के अच्छा ठीक है जैसे ही नोट रखे थे ना वो भाई चंद मोदी जी को पता लग गया उन्होंने बैन ही कर दिया कसम से भाई मैंने पहली बार जिंदगी में 2000 के रखने चालू करे और भाई बैन हो गए नोट वापस निकल चुके हैं भाई हम घर को तो अभी चला रहे हैं हमारे बड़े भैया गाड़ी क्या बात है गाइज अपना बैग तो मिल नहीं पाया बट कोई बात नहीं बड़े भैया बोल रहे हो वो आप सर मेरे से दोनों से भी एज में छोटे हैं कोई बात नहीं है मन वाले प्यार में अगर बड़ा है तो भाई बड़े ही हैं ईशान भाई सो तो नहीं गए पीछे बैठे मेरा मन हो रहा है सो जाओ सोना नहीं है लेकिन गाइज गाड़ी चला ब्रेक्स कितनी अच्छी है गाड़ी बहुत बैलेंसिंग है भैया एबीसी के ग्रीन स्टफ है इसमें मैंने इससे पहले भी मस्टैंग चलाई है अपने बर्थडे में भाई मैं क्लियर बोलूंगा तुम्हारी मस्टैंग तुमने मेंटेन बहुत अच्छी करी हुई है यार भाई ये गाड़ी ना इतनी मज़ेदार है ना चलने में मतलब जैसे अब मैं इस गाड़ी को डिसेंट वे में चला रहा हूँ बहुत डिसेंट चल रही है अगर मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ तो क्या पुलिंग पावर है यार मतलब ऐसा लगता है कि ये गाड़ी ना पीछे फेंक देगी एक सेकंड में बस थोड़ा सा ना यार इन गाड़ियों में ये होता है प्यार से पुच्ची करके चलानी पड़ती है वरना दुखी भी कर देती है लगती बहुत जल्दी है बट इसको जब पैडल दिया था ब्लैक वाली की वजह तो ये आगे से जितनी उठी थी उसके देखते सब ब्रेक मार के रुक गए थे बट स्टिल यार मतलब दिस इज सच अ लवली कार इस गाड़ी को जो इतना प्यार मिलता है ना इंडियन रोड्स पे भाई वो ऐसे नहीं मिलता इस गाड़ी में कुछ बात है भाई और ये ओलो वाले भैया भी हमसे आगे निकल गए क्या बात है गाइस ये तो नकली मस्टैंग है असली मस्टैंग इधर खड़ी है अपनी गाड़ी की तारीफ करना चालू कर देता हूँ वरना गलती से स्टार्ट नहीं हुई ना मस्टैंग से उतर के भाई यार धक्के लगाते फिर से अच्छे नहीं लगेंगे हम बिल्कुल भी एक बारी में होगी भाई स्टार्ट देखते हैं भैया एक बारी हो गई कहा था ना भाई इतनी बुरी भी नहीं है गाड़ी फ्रेम चेक करो भाई इधर से मस्टैंग उधर से रूबिकॉन और जा रही है उधर अपनी मस्टैंग और उधर आ रही है असली वाली घोड़ा गाड़ी गाइस एक बात बोलूं बस कुछ दिन या कुछ महीनों कह लो बस कुछ महीनों की मेहनत है और जोन सी आप गाड़ी बोलोगे ना वो गाड़ी आपका भाई लेकर आएगा और जोन सी आप बाइक बोलते हो ना ये 1000 RR ले लो 10 RR ले लो सब ले लेंगे यार मतलब दिखता है यार कि ना लाइफ ना धीरे धीरे ऊपर जा रही है जहाँ पहले थी लाइफ आज वहाँ बिल्कुल नहीं है लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ना कि दबाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है भाई प्रभु कृपा करना बेल्ट अभी लगा लेता हूँ यार क्योंकि घर के पास ही और आगे से कुछ खाने के लिए लेना था इसलिए मैंने अभी बेल्ट उतार दी थी कह रहा हूँ बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं गाइस ट्रस्ट मी इस साल के एंड तक ना धमाके पे धमाके करने मैंने चालू कर देने हैं बस यूट्यूब पे यार आप सबका सपोर्ट चाहिए इसलिए कहता हूँ प्लीज़ इस प्यारे से चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लो
सब्सक्राइब आप कर लोगे ना तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है यार, कुछ भी यार, कुछ भी आप ना मेरे लिए, किसी और के लिए कुछ भी आप ना यार कमेंट में लिख दोगे ना तो मुझे दिल से भाई बड़ा अच्छा लगता है जब ना भाइयों के कमेंट्स आते हैं। तो भाई फटाफट कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं और घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं। उसके बाद ना Z900 लेके निकलना है क्योंकि भाई उस पे छोटा सा मेरे को एक काम कराना है, तो वो काम बड़ा अर्जेंट है कराना, तो जुड़े रहना वीडियो में, वो काम भी आपको दिखाऊंगा। और 900 पे एक छोटी सी राइड लेंगे हम रात में, रात में नहीं मतलब आने वाले एक घंटे में, थोड़ा सा बस धूप कम हो जाए फिर राइड लेते हैं छोटी सी। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है अपनी बम्बलबी का हाल, तो सबसे पहले गीला कपड़ा करके क्लीन करते हैं वरना तो भाई बैंड बच जाएगी इस बाइक की स्क्रैच से। इसके बाद भी ना ये सही से क्लीन नहीं होने वाली क्योंकि जैसे ही पानी सूखेगा जो नीचे की मिट्टी है ना फिर से वापस आ जाएगी। सो एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, कपड़े को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, फिर निकलते हैं इसको लेके एक छोटी सी प्यारी सी राइड पे। मीटियो ब्रदर, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके भाई, माय गॉड। सो गाइस, आतंक भाई, इतने दिनों के बाद आज अपनी बाइक निकाली है ना, और टाइम हो रहा है शाम के साथ। उफ उफ उफ, उधर डॉगी भी आ गया। मेन क्या है ना यार, यही टाइम ठीक है ऐसे बीस्ट को बाहर निकालने के लिए। इससे पहले तो इतनी गर्मी थी ना आज यार, अब जाके वेदर थोड़ा अच्छा हुआ है, इस चीज़ को अच्छे से इंजॉय भाई कर सकता है। पेट्रोल नहीं है यार बाइक में बिल्कुल भी ना, तो आई वांट कि कहीं से भाई पेट्रोल डलवा पाता, बट मुश्किल सा लग रहा है अभी थोड़ा सा ना। बस एक ही बार सुनना है, एक बार ही में क्या होगा। बाय बाय। पीछे भी भाइयों को जोश आना चाहिए ना एकदम की बाइक गई है। माय ब्रदर, भाई 10-12 साल जवान लग रहे हो आज। हाँ, उम्र कम कराइए 15 साल, लेकिन 3 साल फिर भी खेल गया वो। 3 साल खेल गया भाई, लेकिन कितने रुपए लिए? अब ये बनाइए ना, 100 रुपए, 100 रुपए में लाइफ बढ़ा देते हैं भाई। नहीं, तुम्हारे तो कितने रुपए लेता है, उससे कम दिए। सो भाई क्या सीन है, इधर ना चेन ल्यूब करी जा रही है क्योंकि भाई को मैंने बोलता भाई आपकी बाइक में से ना बहुत ज्यादा चू चू की आवाज़ आ रही है। इन बिटवीन मेरी बाइक में से भी आने लग गई है। सो ना बाइक पे ना कुछ स्टिकर्स लगने थे क्योंकि मेरी बाइक पे ना कहीं पे भी इस चीज़ को छोड़ के मेरी ब्रांडिंग नहीं है। जैसे यूट्यूबर्स लिखवाते हैं ना ऐसे बड़ा बड़ा, देख लो यूट्यूबर्स इतना बड़ा बड़ा लिखवा लेते हैं, मीणा करके ये सब लिखवा लेते हैं ना, तो बट मेरी बाइक पे कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सोबर सा कहीं भी लिखवा लूँगा, दैट्स इट। बीच में माथे पर लूँगा। गाइस बेइज्जती हो गया भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है यार ये, बहुत ज़्यादा लाउड है। सो अभी का जो सबसे बड़ा टास्क है ना वो ये है कि इस पे से बाइक को बाहर निकालना। सच कह रहा हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्टीफ है और ये बहुत ज़्यादा लाउड। इनको तो आदत है, मुझे आदत नहीं है भाई इतनी स्टीफ पे निकालने की। हाँ भाई, भाई स्मोक देखो कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा सच्ची। ये देखो भाई कितना स्मोक है, वो भी दिल्ली में। सो जी, अपन लोग पहुंच चुके हैं मदनगिर, एंड ना बाइक पे थोड़ा सा स्टिकर सा काम था जो मेन मैंने आपको बताया। सो उस काम के लिए अपन को मदनगिर ही समझ आया है क्योंकि सबसे नियर में सबसे सही लोकेशन यही है, तो बस थोड़ा बहुत कहीं लिखवा लेंगे। खन्ना ओमकार, दैट्स इट ब्रदर्स। करोल बाग से सस्ती है वाली मार्केट। तो भाई बाइक्स पे हो रहा है काम, भाई का यहाँ पे गंदा सा स्टिकर लग रहा था वो उतरवाया, और मेरी पे कुछ छोटे छोटे स्टिकर्स लगने हैं, मैंने अपनी बाइक वहाँ खड़ी कर ली है। क्राउड इतना है ना भाई वाली मार्केट में, तो पानी आ गया भाई। ज़्यादा ठंडा नहीं लिया है? नहीं ठीक है। ठीक है, कितना ठीक है? थोड़ा सा फिर ठीक है भाई। तो निकल चुका है अपना स्टिकर, अभी दिखाते भाई का एक बार, हाथ हट जाए। बेसिक खन्ना ओमकार, कोई यूट्यूब का लोगो नहीं लगा रहा मैं, कोई इंस्टा का लोगो नहीं लगा रहा,
कि कोई भी अगर खन्ना होम का सर्च करेगा तो भाई का नाम आ जाता है। और गाइस जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है ना उस पे ना अपन लोग निकलने वाले हैं एक ज्यादा बढ़िया से रोड ट्रिप के ऊपर। और जी बम्बल बी वंस अगेन बैक। सो गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट में जी बिल्कुल जरूर बताना। और फिर बोलूंगा यार इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये जो जर्नी है ना आपके खन्ना भाई की इसमें पूरा सपोर्ट करो सब्सक्राइब करने से इस वाले चैनल पे। लाइक करा करो भाई और कमेंट में प्लीज़ मेरे को बताया करो भाई वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। सच में मेरे को कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना इस वीडियो को और करना इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। टिल देन रब रखा, बाय बाय।